सबसे पहले शुक्रिया सभी को जिन्होंने मुझे हमेशा इतना ज्यादा प्यार दिया है यार, एंड थैंक यू सो मच क्रू मंजिल फॉर हैविंग मी स्पीकर ऑफ द ईयर। बहुत ही ज्यादा क्रेजी इवेंट रहा। एंड जाने से पहले मैं आई एम सॉरी कि मैं ऐसा इस चरित्र में तुम्हारे सामने आया हूँ, क्योंकि मैंने बाल नहीं काटा है एंड लॉकडाउन चल रहा है यार, तो फिलहाल मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ओके सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। मुझे बोला गया है कि मैं कुछ चंद शब्द बताओ मैं मुझे कैसा फील होता है, एंड स्पीकर ऑफ द ईयर का एक छोटा सा मुझे शोकेस देना था वीडियो के थ्रू। तो शोकेस तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक छोटी चीज़ बता के जाऊंगा जो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। वो है, होता है चलता है दुनिया है जीना है। होता है चलता है दुनिया है, सबको पता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और हर एक इंसान एक ट्रॉमा के थ्रू गुजरता है। हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं है अपनी पूरी लाइफ में, सिवाय जिनके पास पैसे हैं। तो जस्ट बी देयर, हैंग इन देयर, यू हैव अ गुड लाइफ अहेड। एंड होता है चलता है दुनिया है जीना है। जीना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल के जो सिचुएशन चल रहा है, जो क्या होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें अफवाहें फैल रही है, अफवाह के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, वो इस फॉर्म में हो रही है जिसे लोग बोल रहे हैं डिप्रेशन के थ्रू हो रही है। डिप्रेशन कोई चीज़ नहीं होती है भाई, ऐसा कुछ नहीं रहता है। इट्स जस्ट दैट तुम वो प्रॉब्लम को उस तरीके से देखते हो, उसे एक प्रॉब्लम समझते हो, एंड हर एक चीज़ को देखने का एक नज़रिया रहता है। वो नज़रिया बदलो, एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करो, फेस द प्रॉब्लम, एंड क्या पता कल उठ के आप खुद को जब मिरर में देखोगे एक सेटिस्फैक्शन के साथ देखोगे। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऋतिक राठौर साइनिंग ऑफ।